नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ बिहार झारखंड। 11 जनवरी सोमवार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज की मुख्य समाचार। बिहार के 300 केंद्रों पर 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है वैक्सीनेशन। बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव का दावा, आरजेडी में होगी बड़ी टूट। आरजेडी ने दी बीजेपी को खुली चुनौती। बिहार में नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान सौंपी उमेश कुशवाहा के हाथ। झारखंड के हेल्थ सेक्रेटरी के आपत्तिजनक बयान पर प्रदेश के डॉक्टर इस्तीफे की मांग पर अड़े। आज है सिब्बू सोरेन का जन्मदिन, इस मौके पर बोले, अब करना होगा जंगल और खेती बचाओ आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए 16 जनवरी की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में बिहार सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए कमर कस ली है। बिहार में कोरोना की वैक्सीन 14 जनवरी से पहले पहुंच जाएगी। बिहार पहुंचने के बाद इसे 15 जनवरी तक अलग अलग राज्यों में पहुंचा दिया जाएगा, जिससे 16 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सके। आपको बता दें, देश भर में वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने के लिए 2 बार ड्राई रन हो चुका है। बिहार में भले ही सरकार बन गई हो, लेकिन यहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी जेडीयू को तोड़ने का दावा कर रही है। इसी बीच अब बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने नया दावा किया है। भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव को कहा है कि मकर संक्रांति के बाद वह अपनी पार्टी को बचा सके तो बचा ले, वरना उनकी पार्टी में टूट होना तय है। वहीं भूपेंद्र यादव की चुनौती का जवाब देते हुए आरजेडी ने कहा कि हमारी चुनौती है बीजेपी को, बिहार में अगर सरकार को बचा सके तो बचा ले, बीजेपी ज़्यादा झटपट करेगी तो खरमास में ही आरजेडी खेल कर देगी और बीजेपी को तहस नहस कर देगी। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू के राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ मंथन ही नहीं बल्कि लगातार जरूरी बदलाव भी कर रहे हैं। नीतीश ने पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान अपने सबसे भरोसेमंद और कुर्मी समुदाय से आने वाले आरसीपी सिंह को सौंपी है। वहीं अब जेडीयू बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कोरी समुदाय से आने वाली उमेश कुशवाहा को दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये फैसला वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। झारखंड के हेल्थ सेक्रेटरी के आपत्तिजनक बयान पर मामला बढ़ता ही जा रहा है। हेल्थ सेक्रेटरी के इस्तीफे की मांग को लेकर झारखंड के डॉक्टर पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। झारखंड के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सचिव के बयान के लिए इस्तीफे की मांग की है। हेल्थ सेक्रेटरी के बयान को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक मीटिंग की है और कहा कि अगर 7 दिन के अंदर हेल्थ सेक्रेटरी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वह इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। दरअसल स्वास्थ्य सचिव ने कहा था कि आधे डॉक्टर पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनते हैं और आधे लोग मोटा दहेज लेने के लिए डॉक्टर बनते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष सिब्बू सोरेन आज अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनकी जीवनी पर आधारित 3 किताबों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोकार्पण किया। इस मौके पर सिब्बू सोरेन ने कहा कि मेरे जीवन पर किताब लिखा गया है, मुझे पता है इसमें क्या लिखा होगा। महाजनी आंदोलन पर लिखा गया है, आंदोलन भी किया और अंत भी किया, अलग झारखंड का आंदोलन किया और राज्य अलग हुआ, लेकिन गांव में रह रहे आदिवासी आज भी शोषित और दुखी हैं। उन्होंने कहा कि प्रयास बोलने से नहीं करने से होगा, अब जंगल बचाओ और खेती बचाओ आंदोलन करना होगा।
आज इतना ही, अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।